अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमाद 946 एंड वेलकम टू माय यूट्यूब सीरीज। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। तो वीडियो कैसे अपलोड की जाती है सबको पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है कि वीडियो कैसे अपलोड की जाती है, बट फिर से यहाँ पर हमारे कोर्स का ये एक वीडियो है जो कि हमें कवर अप करनी है। दैट्स वाई मुझे ये वीडियो भी बनानी पड़ेगी और मैं पूरा एक प्रॉपर वे से मतलब कि अपनी वीडियो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, चाहे आपको आता हो या फिर ना आता हो। क्योंकि अगर आपको आता हो तो कुछ ऐसे व्यूवर्स मेरे ज़रूर होंगे जिनको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको आता है वेल एंड गुड, आप भी देखें, आपको कुछ न्यू चीज़ें पता चल जाएंगी और मेमोराइज हो जाएगा, रीमेमोराइज हो जाएगा। और जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा कि वीडियो हाउ टू अपलोड और वीडियो। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। सबसे पहले आपने YouTube ओपन करना है, जाहिर सी बात आपका चैनल होगा। अगर मेरे चैनल बनाने वाली वीडियो जिसने नहीं देखी, हाउ टू मेक अवर यूट्यूब चैनल या फिर हाउ टू फाइंड अवर नीच या फिर नीच क्या होती है, तो काइंडली पहले जाएं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो जरूर देखें कि हाउ टू फाइंड नीच। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने चैनल की तरफ, YouTube ओपन करना है, देन यू कैन गो। यहाँ पर आपको अपने चैनल का लोगो वगैरह जो भी आपने लगाया होगा तो यहाँ पर आपको शो आउट होगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पर माई चैनल मतलब योर चैनल लिखा हुआ आएगा, तो आपने डायरेक्ट इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आपका चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल दिया गया है, वो भी मैंने बता दिया है, अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियो, प्रीवियस वीडियो मेरी पड़ी, आप जाकर एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद यहाँ पर मैनेज वीडियो आता है, तो ये भी हम लोग देखेंगे, बट अभी हमने वीडियो अपलोड करनी है तो सीधा हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमें क्रिएट का बटन दिखाई दे रहा है, तो हम इसको जैसे ही प्रेस करते हैं यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक अपलोड वीडियो एंड गो लाइव का। तो गो लाइव क्या होता है और कैसे होता है ये फिर किसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग जस्ट अपलोड पे जाएंगे, अपलोड यहाँ पर हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारे पास अपलोड वीडियो का ऑप्शन आ जाता है। तो हमारे पास इस तरह का एक फाइल ओपन है, मतलब एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, मतलब कि जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, एंड सेलेक्ट फाइल यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आपका दिल करे यहाँ पर क्लिक करें और वो फोल्डर आपने ओपन करना है जहाँ पर आपकी वीडियो होगी और आपने अपनी वीडियो जाके सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी करेंगे एंड वीडियो सेलेक्ट भी करेंगे कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के बाद हमारे पास ये एक वीडियो पड़ी है, लोगो है। एक बार पहले मैंने बहुत पहले एक लोगो डिज़ाइन किया था, बड़ा अजीब सा, तो मतलब कि एनिमेटेड लोगो है। तो हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो जैसा कि हमारी ये वीडियो अपलोड हो गई है, तो अब ज़रा हम चलते हैं सेकंड वे की तरफ कि हमने अपनी वीडियो किस तरह से यहाँ पर अपलोड करनी है। तो दोबारा से हम लोग अपलोड की तरफ जाते हैं, एरो प्रेस करना है या फिर आपने सेलेक्ट फाइल चूज़ करनी है, जो भी करना है दोनों से ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एरो प्रेस करता हूँ तो हम डायरेक्ट अपने फोल्डर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमारा एक टाइटल आ रहा है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये टाइटल जो सेट किया था, मतलब कि अपलोड डिफ़ॉल्ट में सेट किया था। अब अपलोड डिफ़ॉल्ट क्या होता है ये भी अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया, आप जाकर एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या होती है और आप कैसे मतलब अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं, और मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिफाइन कर दिया, आप एक बार जाएं और वहाँ पर डिटेल देखें। तो उसके बाद यहाँ पर वीडियो एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब वीडियो एलिमेंट्स क्या होते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाकर कंप्लीट करेंगे, अभी हम लोग अपलोड वीडियो में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो देखेंगे। अब चेक यहाँ पर जो आ रहा है ये YouTube की तरफ से एक नई और बहुत आला किस्म की मतलब कह सकते हैं हम लोग अपडेट दी गई है। अब पहले जो हमारे पास यहाँ पर वीडियो अपलोड का ऑप्शन आता था, यहाँ पर चेक्स का ऑप्शन नहीं दिया जाता था, अब यहाँ पर YouTube ने हमें चेक्स का ऑप्शन इसलिए दिया है कि हम जैसे ही अपनी वीडियो अपलोड करें तो हमें पता चल जाए कि क्या हमारी वीडियो में कॉपीराइट इशू है या नहीं है। ये बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि इससे पहले अगर हम अपने वीडियो में छोटा सा भी कॉपीराइट मतलब यूज़ करते थे, थोड़ा सा भी कॉपीराइट हमारी वीडियो में आ जाता था तो हमें पता नहीं होता था कि हमारी इस वीडियो में कॉपीराइट है, तो वो वीडियो आगे जाके हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी। जिसको मद्देनज़र रखते हुए यूट्यूब ने बहुत अच्छी अपडेट दी है, जो कि यहाँ पर चेक्स का ऑप्शन देकर हमें मतलब हमारी पूरी पूरी टेंशन
जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो यहाँ पर अगर आपका ये जो साइन टिक आ रहा है, मेरा ग्रीन आ रहा है, मतलब ये कॉपीराइटेड नहीं है, तो यहाँ पर नीचे भी आपको दिखाई दे रहा होगा चेक्स कंप्लीट नो इश्यू फाउंड। अगर यहाँ पर आपका क्रॉस लिखा हो या रेड कलर का क्रॉस होता है या फिर यहाँ पर लिखा होता है इश्यू फाउंड, तो मतलब कि आपकी वीडियो में कोई ना कोई कॉपीराइटेड चीज़ ज़रूर है। आप यहाँ पर आके अपनी वीडियो को एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं और ईजिली अपनी वीडियो को अगर कॉपीराइटेड है उसको हटाएं और कॉपीराइट मिटा के दोबारा आप अपनी वीडियो को अपलोड करें। उसके बाद विजिबिलिटी क्या होता है। अब विजिबिलिटी मतलब बहुत से लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पर सेव और पब्लिश आ रहा है, उसके बाद प्राइवेट आ रहा है, उसके बाद अनलिस्टेड आ रहा है, पब्लिक आ रहा है, सेट एस इंस्टेंट प्रीमियर एंड शेड्यूल। अब प्राइवेट आपको खुद ही पता है कि हम लोग प्राइवेट करेंगे तो हमारी वीडियो जस्ट हम लोग देख सकेंगे या फिर हम जिन लोगों को सेलेक्ट करेंगे वो लोग देख सकेंगे। तो यहाँ पर प्राइवेट अगर करते हैं तो शेयर आप कर सकते हैं उन लोगों को जिन लोगों को आप वीडियो अपनी दिखाना चाहते हैं, तो ये जस्ट आप उनकी तरफ शेयर कर सकते हैं। पब्लिक, तो पब्लिक क्या होता है कि पब्लिक हम लोग वीडियो डायरेक्ट मतलब कि पब्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जाकर पब्लिश कर देते हैं, हमारी वीडियो इंस्टेंटली अपलोड हो जाती है यूट्यूब पर। तो यहाँ पर जो सेट एज इंस्टेंट प्रीमियर मतलब कि आप अपलोड भी करना चाह रहे हैं अभी, पब्लिक भी अभी करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो प्रीमियर भी चले, मतलब कि लाइव जाए और आपकी जो ऑडियंस है आपके यूट्यूब पर आके आपके साथ लाइव इंगेज हो। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल होता है। शेड्यूल मतलब कि आपने वीडियो बनाई है और आप नहीं चाहते कि आपकी वीडियो अभी अपलोड हो, आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो कल अपलोड हो। तो जैसा कि यहाँ पर अप्रैल 5 है तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर कोई भी यहाँ पर डेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक आपको कैलेंडर दिया जाता है, आप यहाँ पर भी आके इजीली क्लिक कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ 6 को मेरी अपलोड हो और यहाँ पर आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है। AM आपको कौन से टाइम में मतलब कि AM में सेलेक्ट करनी है, फिर PM में आपको करनी है वीडियो अपलोड। तो मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो यहाँ पर 4 PM या 2 PM में ज़्यादातर करता हूँ। तो आपको अपना टाइम होगा तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और वीडियो को डायरेक्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या फिर शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर अपनी वीडियो को शेड्यूल करना है या फिर मतलब कि डायरेक्ट अपलोड करना या फिर इंस्टेंट प्रीमियर करना है, वो आप पे डिपेंड है कि आपने अपनी वीडियो को कैसे लेके चलना है। तो सीधा यहाँ पर आपने शेड्यूल या प्रीमियर कर देना है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ज़रूर नॉलेज मिला होगा। और अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और साथ में आप इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर भी आपको आंसर दे सकता हूँ। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।